दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू काउंसलिंग, एडमिशन, क्लासेस, टाइमिंग, स्ट्रेस कोड, मेडिकल, एवरीथिंग। जब काउंसलिंग हो जाएगी तो करना क्या है? काउंसलिंग के बाद क्या होता है, जितना भी आपका फी बचा हुआ है उसके लिए वापस डीडी बनती है एंड विद इन 2 डेज आपको वापस आकर के वो डीडी को सबमिट करना होगा। ठीक है, कहाँ सबमिट करना है, कितने बजे करना है, कितने दिनों में सबमिट करना है, ये सबको आपको वहीं पर बता दिया जाएगा आपको जब सीट अलॉट होगा। तो ही किसी किसी को डाउट था कि सीट अलॉट हो गया है और मुझे अभी वो सीट नहीं लेना है, तो अगर आपको सीट नहीं लेना है तो आई थिंक ये काउंसलिंग होने से पहले, मतलब अगर आपको आज सीट अलॉट हुआ तो कल जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो। कभी कभी होता है कि कैंसिल हो जाए, लेकिन श्योरिटी नहीं है इस चीज़ से कि कैंसिल होगी। अगर लोग वहाँ पे अवेलेबल है उस कोर्स को लेने के लिए तो आई थिंक वो कैंसिल हो जाता है। नाउ क्या होता है, मेडिकल फॉर्म, मतलब जब आपको एडमिशन हो जाएगा और आपको आपकी सीट मिल जाएगी तो आपको एक मेडिकल बनवाना होता है। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्या तुरंत ही बनवाना होता है, तो मतलब अगर देखिए आप बनवा लेंगे तो आपके लिए अच्छा है कि आपका काम हो रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बनवाते हैं तो भी आप उसको बाद में सबमिट कर सकते हैं, अभी उसका कोई काम नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट तो है पर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। करवाना कैसे होता है, कुछ नहीं, आपको मेडिकल का फॉर्म लेकर आना है एंड स्टूडेंट काउंटर होता है काउंटर नंबर 11, वहाँ पे जाकर के आपका एक बुकलेट बनेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ जहाँ जाओगे आपको हेल्प कर दिया जाएगा और आपका काम पहले हो जाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए पहले होता है। क्लासेस कैसी होती है, तो आप फुल टाइम बिजी रहने वाले हो, क्लासेस बहुत अच्छी होती है एंड हमेशा क्लासेस चलती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि क्लासेस नहीं चलती है, पढ़ाई होती है, पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट डाउट आया था कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जैसे मैं जब आने वाली थी तो मैंने बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा एनालिसिस किया था कि कैसे होगा क्या होगा। सो जब मैंने देखा था तो मैंने देखा था कि मेरे जो इमीडिएट सीनियर्स थे उनकी क्लासेस फरवरी से स्टार्ट हुई थी। सो मैंने एनालाइज किया था कि क्योंकि हमारा 1 महीने पहले हुआ था तो मुझे इसका आइडिया था कि जनवरी में दिसंबर के लास्ट तक हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी एंड ऐसा ही हुआ था। सेकेंड जन से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, वैसे ही आपकी थोड़ी सी पहले हो रही है हमारे से काउंसलिंग, तो आई थिंक आप लोग की दिसंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उससे पहले होने का कोई चांस नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कि कॉलेज भूल तो नहीं कि एडमिशन लेके हम जाएंगे तो वहाँ पे, पर डोंट वरी, आपको बुलाया जाएगा, बहुत जल्द बुलाया जाएगा। तो आपको पेशेंटली बैठना है एंड मैं बोलूँगी प्लीज़ इन्जॉय योर सेल्फ बिकॉज कॉलेज में आने के बाद हैक्टिक क्या होता है, छुट्टी क्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा से आइडिया लग जाएगा। स्टार्टिंग में जो होगी क्लासेस वो 9 to 5 होगी, बाद में जब ड्यूटीज़ लगती है तो 8 to 5 भी होती है, तो फिलहाल के लिए तो आपको 9 to 5 क्लासेस करनी होंगी। अभी आपका अगर एडमिशन हो चुका है तो आप इस ये मत समझिएगा कि सब कुछ हो गया, नहीं अभी सब कुछ नहीं हुआ है, अभी आपका एक और बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब अगर आपको सीट अलॉट हो चुका है, आपका एडमिशन किसी भी कोर्स में हो चुका है, स्टिल आपको आई थिंक जब आपको बुलाया जाएगा क्लासेस के लिए उससे 1 हफ्ते पहले कॉलेज में बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पे आने के बाद आपको 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटोकॉपी, एंड उन फोटोकॉपी का वापस से वेरिफिकेशन होगा एंड लास्ट में कुछ साइन वगैरह कुछ लगता है। सपोज अगर आपने नर्सिंग लिया है तो आपको नर्सिंग कॉलेज वापस से बुलाया जाएगा, आई थिंक 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ के बाद आपको वापस से नर्सिंग कॉलेज बुलाया जाएगा एंड वहाँ पे 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी आपने ओरिजिनल सबमिट किया था उसकी 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फोटोकॉपी वाली, एंड उस डॉक्यूमेंट्स की वापस से वेरिफिकेशन होगा एंड आपको कॉलेज के रूल्स, रेगुलेशंस, ड्रेस कोड सब कुछ। नाउ ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे, बहुत लोग पूछ, वैसे मैं साइड में डाल दूंगी कि कहाँ पे चेक करना है। अगर आप ऊपर देखोगे तो मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऐसे करके ऊपर लिखा होगा। सो नर्सिंग कॉलेज में जाओगे आप तो उसमें ऑफिस ऑर्डर्स एंड करिकुलर्स होंगे। सो ऑफिस ऑर्डर्स एंड करिकुलर्स पे आप जब क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आने पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रिलेटेड टू एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कॉलेज विजिटिंग, जो भी है आपको वहीं पर मिलेगा। जो भी आपको डाउट चाहिए या फिर कब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी सब कुछ वहीं पर मिलेगा। लेकिन प्लीज़ आप पेशेंटली वेट कीजिए, 1 महीने तक आपकी कोई क्लासेस नहीं होने वाली है, आप चिल करिए। जब तक ये काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसीजर नहीं हो जाती तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक तो कम से कम होता था, इस साल क्योंकि कट ऑफ हाई गया है तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन स्टिल मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से पहले क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर होती है तो ऑफकोर्स आई विल इन्फॉर्म इट। सो आई थिंक मैंने ऑल द डाउट्स कवर कर दिए, काउंसलिंग से रिलेटेड, डीडी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर कॉलेज में कब बुलाया जाएगा इससे रिलेटेड, क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है, ये सब कुछ आई थिंक मैंने बता दिया है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई यू। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।